नमो नमः छात्रों, आज विद्यालय से संस्कृत की इस कक्षा में मैं निधि श्रीवास्तव आपका स्वागत करती हूँ। छात्रों, पूर्व कक्षा में बुद्धि हमेशा बलवान होती है, इस अध्याय में हम लोगों ने एक कहानी पढ़ी जो कि शुक सप्तती से संपादित की गई है, अर्थात ली गई है। छात्रों, बुद्धि हमेशा बलवान होती है, इसका अर्थ है कि शरीर की ताकत से ज्यादा बुद्धि की ताकत होती है। बुद्धि कभी भी कमजोर नहीं पड़ती है, बस हमको उसका सही समय पर सदुपयोग करना होता है। छात्रों, तो शुक सप्तती का जो ये कथा है, जहाँ से ये ली गई है, वो कथा संग्रह में एक बुद्धिमती नारी के बारे में इस अध्याय में बताया गया है। तो छात्रों, पूर्व कक्षा में हमने आपको बताया कि एक बुद्धिमती नारी है जो कि देवला नामक गांव में रहती है और वहां का राजा राजपुत्र जो है या राजकुमार जो है वो राज सिंह नाम का युवक है। उसकी पत्नी है बुद्धिमती और उसके दो बच्चे हैं। एक बार किसी कारणवश छात्रों उसको अपने पिता के घर में अकेले जाना पड़ा, तो वो घने कानन यानी घने जंगलों से होती हुई अपने दोनों बच्चों के साथ जा रही थी। रास्ते में उसको एक बाघ दिखाई देता है छात्रों, तो वो डरती नहीं है छात्रों, ना घबराती है। वो उस समय नई उपाय नई बुद्धि उसको सूझती है कि मुझे इस समय क्या करना है जिससे मैं और मेरे दोनों बच्चे बच जाएं। तो वो क्या करती है छात्रों, वो अपने बच्चों को थप्पड़ मारती है, चपेटिया यानी थप्पड़ मारती है और थप्पड़ मारकर उनको बोलती है कि दोनों लड़ क्यों रहे हो, ये एक बाघ है, इसको ही मारकर बांट कर खा लो, बाद में कोई दूसरा मिलेगा तो हम फिर उसको देख लेंगे, ऐसा वह बोलती है। तो बाघ ये सुनता है कि ये तो बच्चों को कह रही है कि मुझे मारकर खा लो, ऐसा कह रही है तो जरूर ये निश्चय ही बाघ मारी है, ये औरत कोई और नहीं बाघ मारी है जो कि बाघों को मारकर अपने बच्चों को खिलाती है। तो यह सुनकर बाघ जो था, इतना बड़ा शेर चीता बाघ जो होता है, वो प्राणी होता है, जानवर होता है, वो डर गया उस औरत से और वो ये शब्द सुनकर वहां से भाग गया। ठीक है छात्रों, तो वो औरत नहीं डरी बल्कि बाघ डर गया। तो छात्रों, ये बताया कि रूपवती स्त्री जो है वो अपनी बुद्धि से बाघ के भय से यानी बाघ के डर से छूट जाती है, तो इस संसार में दूसरे बुद्धिमान पुरुष भी हैं या स्त्री हैं जो कि बड़े से बड़े डर से छूट जाते हैं। इसके आगे क्या होता है छात्रों, स्टोरी को आगे जानने के लिए आइए छात्रों हम पढ़ते हैं क्लास 10 संस्कृत द्वितीय पाठा बुद्धिर भगवती सदा का चतुर्था भाग। प्रस्तुत पाठ में छात्रों हमने गद्यांश का हिंदी भाषा में अर्थ, शब्दार्थ, संधि विच्छेद, व्याकरण और प्रश्नोत्तर पर प्रकाश डाला। छात्रों, यह गद्यांश भयाकुलम से लेकर दृष्टा तक है। तो आइए देखिए छात्रों, भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित् धूर्तः श्रृगालः हसन्नः भवान् कुतः भयात् पलायितः। अर्थात छात्रों, भयाकुलम यानी डर से भागते हुए व्याघ्रम यानी बाघ को दृष्ट्वा यानी देखकर कश्चित यानी कोई, धूर्तः यानी चालाक, श्रृगालः यानी सियार, सियार हमेशा चालाक होता है छात्रों, तो शियार जो था वो धूर्त था, चालाक था, वो हसन्ना यानी देखकर हंसता है, कितना बड़ा बाघ जो है जिससे हम लोग सब डरते हैं वो किसी और के डर से भाग रहा है, तो ऐसा भय से व्याकुल बाघ को देखकर धूर्त श्रृगाल जो था, सियार जो था, वो हंसता है और बोलता है भवान कुतः पलायिता, भयात पलायिता, भवान यानी आप, कुतः यानी कहाँ,
भयात यानी भय से, पलायिता यानी भागे जा रहे हैं। तो वह बाघ श्रीयार जो है वो बाघ से बोलता है कि आप डर से कहाँ भागे जा रहे थे। तब व्याघ्र बोलता है, देखिए व्याघ्र, गच्छ गच्छ जम्बो त्वम अपि किंचित गूढ़ प्रदेश। यानी बाघ ने क्या बोला, गच्छ गच्छ यानी जाओ जाओ, जम्बो यानी सियार, तो जाओ जाओ सियार, त्वम अपि यानी तुम भी, किंचित यानी कोई, गूढ़ प्रदेशम यानी गुप्त स्थान को, गूढ़ यानी गुप्त और प्रदेशम यानी प्रदेश को या स्थान को। तो वह बाघ उससे सियार से कहता है कि जाओ जाओ सियार, तुम भी किसी गुप्त स्थान को भाग जाओ या चले जाओ। ठीक है, आगे देखिए। यतो व्याघ्र मारिति या शास्त्रे श्रूयते तयाहम हन्तुम आरब्धा, परम गृहीत कर जीवितो नष्टा शीघ्रम तद्ग्रतः। क्या बोला बाघ ने, बाघ ने बोला सियार को भाग जाने को। उसके बाद कह रहा है यतो यानी क्योंकि, व्याघ्र मारी थी यानी बाघ मारी, या यानी जो, शास्त्रे यानी शास्त्र में, श्रूयते यानी सुना गया है, तयाहम यानी वह मैं, हन्तुम आरब्धा यानी मारने वाली, परम यानी परम परंतु, ग्रहित कर जीवितो, ग्रहित कर जीवितो यानी ग्रहित कर यानी लेकर, जीवितो यानी प्राण, हथेली पर लेकर, नष्टा यानी भागा, शीघ्रम यानी जल्दी ही, तद ग्रता यानी वहां से मैं भाग गया। तो उसने क्या बोला कि यतो व्याघ्र मारी थी या शास्त्रे श्रूयते तया हम हन्तुम आरब्धा, क्योंकि बाघ मारी जो शास्त्र में सुना गया है वही मैं, उसके द्वारा मैं मारा जाता, ऐसा उसने बताया। तो उसने क्या किया, आगे उसने कहा कि परम गृहीत कर जीवितो नष्टः शीघ्रं तद्ग्रतः, परंतु मैं जो है हथेली पर प्राण लेकर उसके आगे से जल्दी से भाग आया, क्योंकि नहीं तो वो मुझे मार देती। तो इसलिए बाघ मारी, जिसको हम लोग शास्त्रों में सुने हुए कि एक बाघ मारी स्त्री थी, ऐसा मैंने देखा और उसके द्वारा मैं मारा भी जाता, परंतु अभी मैं क्या किया, वहां से भाग कर आ गया अपने प्राण को हथेली पर लेकर। तो श्रीगाला क्या बोलता है, देखिए श्रीगाला यानी सियार, व्याघ्र यानी बाघ, त्वया महत् कौतुकम आवेदितम यन्य मानुषादपि विभेषी। त्वया यानी तुम्हारे द्वारा, महत् कौतुकम यानी महान आश्चर्य, कौतुकम यानी आश्चर्य और महत् यानी महान। ठीक है, तो महत् कौतुकम यानी महान आश्चर्य, आवेदितम यानी बताया गया। ठीक है, यन्य यानी जो, मानुषादपि यानी मनुष्य से भी, मानुष यानी मनुष्य, अपि यानी भी, यन्य यानी जो, तो जो मानुष से भी, विभेषी यानी डरते हैं। तो सियार ने क्या कहा छात्रों, सियार ने कहा कि बात तुम्हारे द्वारा महान आश्चर्य बताया गया, जो कि तुम मनुष्य से भी डरते हो, क्योंकि बाघ तो मनुष्य नहीं डरते, परंतु ये डर के भागा, इसलिए उसने ऐसा बोला। तब बाघ कह रहा है छात्रों, देखिए व्याघ्र, प्रत्यक्ष मेव मया साथ में पुत्रा वे कैक्षो मामत्तुम कलहाय मानो चपेटिया प्ररहंती दृष्टा। तब बाघ ने क्या कहा, व्याघ्र ने कहा, बाघ ने, प्रत्यक्ष में मया, मया यानी मुझे या मेरे द्वारा, प्रत्यक्ष में यानी सामने से देखा गया, सा यानी वह, आत्म यानी अपने, पुत्राव एक कैक्षो यानी अपने पुत्रों को, एक एक को, सबको, दोनों को, मतलब एक एक दोनों पुत्रों को, मामत्तुम, मामत्तुम यानी मुझे खाने के लिए, माँ यानी मुझे, और मत्तुम यानी अत्तुम यानी
यहाँ पर क्या हुआ, खाने के लिए, तो माम प्लस अतोम मुझे खाने के लिए, कलहाए मानो यानी झगड़ते हुए, चपेटिया यानी थप्पड़ से, प्ररंति यानी प्रहार करती है, दृष्टा यानी देखा। तो उसने क्या बोला व्याघ्र ने कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि वह अपने पुत्रों को, एक एक पुत्रों को क्या करती है, मुझे खाने के लिए झगड़ने वाले ऐसे पुत्रों को थप्पड़ मारती हुई, वो ऐसा मैंने देखा। ठीक है छात्रों, तो उसने क्या कहा कि मुझे खाने के लिए अपने झगड़ते हुए पुत्रों को वो क्या करती है, थप्पड़ मारती हुई वह मेरे द्वारा प्रत्यक्ष रूप से देखी गई। आइए छात्रों, अब यह गद्यांश यहाँ पर समाप्त होता है और इसमें बहुत सारी संधियां आई हैं, उसको हम ध्यान से देख लेते हैं। हसन्ना, हसन प्लस आ, त्वम अपि, त्वम प्लस अपि, हन्तुम आरब्धा, हन्तुम प्लस आरब्धा, तद्ग्रता, तत् प्लस अग्रता, मामत्तुम, माम प्लस अत्तुम, प्रत्यक्ष में प्रत्यक्षम प्लस एव। ठीक है छात्रों, और नेक्स्ट वन है साथ में पुत्रा वे कैक्षो, अर्थात साथ में पुत्र प्लस एक शाह। ठीक है छात्रों, ये इसकी संधि थी। आइए शब्दार्थ को हम ध्यान से देख लें। जम्बुका यानी सियार, हसन्ना यानी हंसते हुए कहा, यतो यानी क्योंकि, गृहित कर जीविता हथेली पर प्राण लेकर, आवेदितम बताया गया, विवेशी डरते हो, मम तुम मुझे खाने के लिए। छात्र इस गद्यांश में कुछ पर्यायवाची यानी सिनोनिम्स वर्ड दिए गए हैं, उनको हम ध्यान से देखते हैं। शिगाला यानी जम्बू कहा, शीघ्रम सत्वरम, अग्रता समक्ष, अत्तोम खादितुम, प्रहर्ति मारयन्ति, लोके संसार। छात्रों ये गद्यांश यहाँ पर अच्छी तरह से समाप्त होता है, हमने आपको अच्छी तरह से समझा दिया। अभी यहाँ पर प्रश्नोत्तर है, तो उसमें एक पदेन उत्तरत देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, गृहित कर जीविता कह पलायिता, यानी हथेली पर प्राण लेकर कौन भाग गया, कौन भागा था, बाघ, तो व्याघ्र, एक पदेन है यानी वन बार। दूसरा क्वेश्चन देखिए, श्रीगाला की दृशा आसीत, यानी सियार कैसा था, धूर्तः चालाक। नाउ नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए छात्रों, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, व्याघ्रा जम्बू कहा कुत्र गंतुम अकथयत, यानी बाघ ने, अरे सॉरी बाघ, हाँ बाघ ने सियार को, जम्बू का यानी सियार को कहाँ जाने के लिए कहा, तो कहाँ जाने के लिए कहा था, गुड़ प्रदेश, तो व्याघ्रा जम्बू कहा गुड़ प्रदेशम गंतुम अकथयत, यानी छुपने के लिए दूसरे स्थान को जाने को कहता है। नाउ नेक्स्ट वन है छात्रों, निर्देशानुसारम उत्तरम, तो पहला देखिए, भक्षयितुम इत्यर्थे अत्रे किम पदम प्रयुक्तम, यानी भक्षयितुम इस अर्थ में यहाँ पर कौन सा दूसरा शब्द प्रयोग किया गया है, क्या किया गया है खाने के लिए, अत्तुम, तो अत्तुम इति पदम प्रयुक्तम। नाउ सेकंड वन है, पलायिता इति क्रिया पद से कर्ती पदम किम, पलायिता इस क्रिया पद का कर्ती पद क्या है, तो क्या है छात्रों, भवान, तो आंसर है भवान इति पदे कर्ति पदम अस्ति। तो छात्रों आपको यह गद्यांश अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आज आपने पढ़ा कि भागते भागकर बाघ भाग रहा था उस बाघ व्याघ्र मारी के पास से, तो सियार देख लेता है जो कि बहुत चालाक होता है, और वो कहता है कि अरे तुम कहाँ घर डर से भागे जा रहे हो, तो वो कहता है कि जाओ जाओ तुम भी किसी गुप्त स्थान को चले जाओ, ऐसा बाघ उसको बोलता है। क्यों, क्योंकि मैंने एक बाघ मारी देखी है जो कि अपने पुत्रों को मुझे खाने के लिए थप्पड़ मार रही है और कह रही है कि पहले मुझे एक खाओ फिर बाद में दूसरा। ठीक है छात्रों, तो यह आपको यह गद्यांश अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको यह गद्यांश में कोई भी डाउट है तो आप आश विद्यालय के एप्स को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों, नमो नमः।